और जो हमारा अनुभव थी वो बरदान में है। यह न समझे कि आप यहाँ तस्वीर हो गए हैं तो बस समय से का कोई फायदा नहीं हो। मैं आमतौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो शब्द लगाना चाहता हूँ कि जो काम धर्म के आगे होना है हम वो कितनी भी आजादी कहनी हो ज्यादा कितनी के मामला हो उसका गरीब आरक्षण काम है। इसलिए मैं तमाम कानून है जमदार कानून है इधर थोड़ी जिम्मेदारी है ज्यादा जिम्मेदारी है सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी तवज्जो आने वाले संदेहों में मुस्लिम कानून की तंजीम कर पाए। मैं खासतौर पर यह बात करना चाहता हूँ कि हमारी तवज्जो अभी से प्रशासन अपने जेबों में डालनी शुरू करती है। ये दरखास्त वाली बंद करें और जमात की तंजीम पर दरखास्तों का काम कुछ पर छोड़ दें इंशाल्लाह वक्त आने पर वो ठीक हो जाएगा। इस पर जिस बात की जरूरत है वो मुसलमान की तंजीम है आमतौर पर तंजीम है। इसलिए आने वाले वक्त का आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या है। मैं अक्सर कहता रहा हूँ जवाब के कारण से आने वाले वक्त के लिए आपको तैयारी करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तंजीम रहती है कि हमें कभी भी गोवर्धन बड़ी में सत्ता होता रहा। एक बुनियादी बात यह है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये प्रोग्राम जो हमारा माना है अभी उनकी कन्वेंशन का ये जारी रहे यह अपने भाव को खाना पर होगा। अलबत् दरमियान में एक आदि की तब्दीली हो गई है वो फोर जी का कन्वेंशन चार पांच की बजाय छह तारीख को होगा और अगले कन्वेंशन इसी तरह के ग्रुप के साथ के होते चले जाएंगे। दरमियान में पांच तारीख को मुस्लिम कानून की हाईकमान का इजलास हमने दिल्ली में बुलाया है उस वजह से ये थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा मैं अभी जो तब्दीली रोनुमा हुई है मैं इसे कुछ दिनों से बार बार कह रहा था कि क्या एक इंतजार करें लेकिन हमारे साथ बहुत जल्दी बने इंतजार नहीं करना चाहते थे लेकिन जिस बात का इंतजाम होना है उसको होना होगा। और मेरी बहुत बहुत किसी के संजीव बन जाए मैं खुद तो असल में दोनों दबाव का संजीव तोड़ी जाए लेकिन मैंने संजीव नहीं तोड़ी। इस दबाव की हमने बहुत बहुत किसी के संजीव बन जाए और उसके लिए ये वक्त हमने तकलीफ का परेशानी का हमने गुजारा। अगर ये असेंबली बचने की काबिल नहीं थी अगर ये असेंबली काबिल नहीं थी ये बचे लोग ये मुंतखब गलत तरीके से हुए इसको मुंतखब करवाने में हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा गंदा किरदार अदा किया। झांसी के लिए हाफ कैरी के लिए मुंतखब हुई मगर उसके बावजूद क्या एक ध्यान था क्या मेरे आपको वक्त की वजह से होगा कि अब मुंतखब हो गई है अगर यही लोग ठीक काम करें तो लेकिन बंद करें कौन लोग बात बातें कर रहे देखो मैं काम बंद करेंगे तो हमने मेरी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से असेंबली बच जाए क्योंकि हमारे भी मेंबर बहुत अलग हुए हैं उनके मेंबर भी बहुत अलग हुए हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं एक ही जगह के रहने वाले हैं दुख सुख में एक दूसरे की जिंदगी है बुराई भलाई में जुड़ी है लेकिन बदसबी से आपने देखा कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अगर आजाद कश्मीर में कोई गैर मुस्लिम नहीं होते रहने वाले तो उसके साथ इतनी बात शुरू की नहीं कोई कर सकता था जितनी मुस्लिम कानून के कानून के साथ बात शुरू की। और ये इस तरह की न कोई जमहूरियत दे सकती है ना कोई निजाम दे सकता है ये तो खुला का कदर है कि मुस्लिम कानून के कानून थोड़ा सा हौसला उनको मिला और शायद हमारी पिछली पांच साल की खानपुर कोताही की वजह से उनको हौसला मिला कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया वरना हो सकता है कि यहाँ हर रोज कुछ तो फूल होता और झगड़े होते फसाद होता और इसका फायदा दुष्ट न उठाता जो बाहर बैठा होता है। ऐसी सूरत में ये असेंबली फिर खुद अपने मंत्र भी अंजाम तक पहुंची इसका हम पर कोई गिरा नहीं है और इसको इसी मंत्र से अंजाम तक पहुंचना चाहिए
जिला के अंदर दस सभा की भुगतों से दस सभा तहसील लाए हैं, तो उन्होंने कहा था कि तुमने दो साल में इतना दर्द किया कि पीपल्स पार्टी वालों ने सारे पाकिस्तान के भोजन को मिलकर साफ नहीं कर सके। ये सर्टिफिकेट पुष्पाल अली भुट्टो ने दिया था, हमने नहीं है। और पुष्पाल अली भुट्टो के जो मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, जो सच्चे पैरोकार हैं, उनको चाहिए था कि भुट्टो के इस ऐलान का वो हक अदा कर दें। और मैं आपको बताता हूँ उन्होंने वो हक कैसे अदा किया है। मैं वो अल्फाज आपको समझता हूँ, आपको मालूम है। राठौर साहब ने ये असेंबली को उड़ते हुए जो मुझे इस्तेमाल के लिए भेजी, उस पर उन्होंने लिखा है कि मैं इसके बाद इतना भी कहूंगा कि नौ माह के कक्षर है अरकार काबीना और अरकार असेंबली ने बहुत सारी खराबियां पैदा की और साथ साथ हुकूमत को भी ब्लैक नहीं करते रहे। मैं इन सारी खराबियों और दीगर विश्वास का अमलन तकरीबन जिक्र करने से इससे मुझे सुरेश कर रहा हूं कि इस तरह जमहूरी राय बदनाम होंगे। अलबत् एक बात का पदक्षेप ये बड़ा यह कह सकता कि मौजूदा असेंबली और अरकान काबीना को मौजूदा कश्मीर में चलने वाली तहरीक आजादी से भी कोई दिलचस्पी नहीं जोड़ेगा सोचता था। और आजाद कश्मीर असेंबली तोड़ने काबीना काबीना को तोड़ने के लिए जो जवान सरकार है उससे कहीं ज्यादा जवान दिए मौजूद है, जिसका हमें आमदन से करने का ये वो सर्टिफिकेट है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मुल्तान राठौर साहब ने दिया है और वो भुट्टो साहब के हैं नक्श कदम पर है कि उन्हें भुट्टो साहब ये सर्टिफिकेट उस वक्त दे गए। अब इससे हमारा क्या कसूर है? हमारा कोई उसमें कसूर नहीं है, हम इस सर्टिफिकेट में कसूर है। एक तो बात ये थी जो आपको बताना था कि हम बात हो गए अभी दौर में जो धारणी हुई है, जो पदयात्री हुई है और जो शिक्षक है तो शिक्षक है तो फिर खुदा के रंगीन सिंह के फैसले यहाँ पे बंद करके होते थे, लेकिन आज तक सारी जान कहते हैं कि फैसले बड़े सही होते थे। लेकिन इन्होंने तो सब रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने अपने खुले हुए 20 आदमी की आंखें खुली थी, लेकिन उन्होंने जो लोगों के सब आवाज कश्मीर में किया कि तस्वीर में तो जाने का मौका नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि उन गलतियों का, उन इंतजामी कार्रवाईों का सदारा हो जाए। इसकी जरूरत को मुख्तार राठौर साहब को भी जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बात की, मैं समय तो मेरी तरफ से जमात का फैसला, जमात का फैसला है, जो फैसला आप करेंगे तमामी तौर पर मैं तो उसी के साथ करूंगा। लेकिन मेरे यहां के साथ भी आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुख्तार राठौर उन तमाम गलतियों की इतना कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं और आने वाले इंतखाबात में इस बात का अमल करके यकीन दिला सकते हैं कि इंतखाबात मुल्क से फाला हुए, तो हम इस कमजोरी का मुजाहरा भी नहीं करना चाहते कि कोई दूसरा इंतखाब करवाएगा तो शायद वो हमारा कोई हक छीन सकेगा। आजाद कश्मीर में जिसने हमारा हक छीना है खुदा ने उसको हमेशा के लिए तरीके पर बढ़ा रखा। कोई फिक्र की बात हो रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों को हक पर झुका डाला नहीं किया, जिन्होंने पदमानियत की उनका एहतसाब नहीं किया, और अगर उनका एहतसाब किया जाए, इन वजीरों ने मैं बड़े मुताब राठौर से कहा था कि राठौर साहब आप हमारी हुकूमत का एहतसाब करना चाहते हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन आपकी हुकूमत जो गलतियां इस वक्त कर रही है इसलिए उन्होंने नहीं की थी पांच साल के अंदर मिलकर, तो अब वो बात साबित हो गई। उन्होंने जो गलतियां की है उन गलतियों की बुनियाद पर तो अगर हिसाब किया जाए तो मेरा ख्याल है कि बात जुड़ी रहते हैं जिनकी अगली पुष्ट में भी कानून के तहत किसी को हुकूमत का कोई पौधा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलतियां की हुई किसी का नुकसान चुकाव का किया है, तो इसलिए किसी कोशिश करेंगे। मैं रहा यह कि अगर हमने देखा कि इंतखाबात उनके पौधा नहीं हो सकते, उसमें कोई ज्यादा हो रही है, कोई बेची हो रही है, तो बारह लोग का भी इशारा दारा करें। दूसरा यह है कि अलावा के कश्मीर में जो चलने वाली तहरीक है जिसको मुल्तान राठौर साहब ने अब तक तस्लीम किया है उसको नुकसान पहुंचा और इनको कोई दिलचस्पी नहीं, उसका भी मेरा अनुरोध है कि ये आप तक सही में हमारे बहन हो कि मजबूर में जो अखलाकी और सियासी कुवत हम तहरीक अखलाक की कश्मीर को पहुंचा था रखते थे वो नहीं पहुंचा सके, किसी के सारा किला पर बैठ गया सारा निजाम जैसे बेहतर हो गए। आप कोशिश करेंगे कि हम लोग भाई के लिए भी जो प्रदर्शन कर सकते हैं करें,
लिए आधार के बिल्कुल सही मानों में देश के अंदर आने की कोशिश करें। इस मामले में अगर रोहतान आठों साल ने पसंद किया तो हम मिलकर इनका कोशिश करेंगे, करें अगर उन्होंने नहीं किया और फिर अगर काफी पैदा हुई तो जिसमें ये कदम उठा है कि आप कई कदम और करते हैं उस रास्ते में। Thank you.